ये क्या सुन रहा हूँ दोस्तों, रियान पराग टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने के लिए इतना एक्साइटेड है कि उन्होंने अपना पासपोर्ट खो दिए, अपना मोबाइल भी खो दिए। दोस्तों बीसीसीआई की तरफ से एक वीडियो आया है जिसमें कहा गया है कि रियान पराग ने अपना पासपोर्ट और मोबाइल खो दिया है। ये वीडियो तो कॉपीराइट की वजह से आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको सब कुछ बता सकते हैं। हालांकि उस वीडियो में रियान पराग का एक स्टेटमेंट भी दिखाया गया जिसमें रियान पराग ने कहा कि मैं टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, जिसकी वजह से मेरा ये सब कुछ खो गया। हालांकि रियान पराग ने यह भी कहा कि मेरे साथी जो खिलाड़ी है, इन लोगों के साथ मैंने पहले भी खेला है, इसलिए इन लोगों के साथ घुल मिल जाना मेरे लिए बहुत आसान होगी। जैसे कि अभिषेक शर्मा के साथ रियान पराग अंडर-19 विश्व कप में खेला था और वो इतिहास अब भी याद है। दोस्तों केवल रियान पराग ही नहीं, रियान पराग के साथी और भी कोई खिलाड़ी है जो काफी एक्साइटेड है। दोस्तों आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए संजू सैमसन और रियान पराग एक ही टीम से खेलते हैं, जहां संजू सैमसन कप्तान है और रियान पराग नंबर 4 पोजिशन का बल्लेबाज है। रियान पराग ने कहा कि उन्होंने सोचा नहीं था कि टीम इंडिया में उनको जगह मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से ट्रोलिंग किया जा रहा था रियान पराग को, नामुमकिन सा लग रहा था। आईपीएल में पिछले कुछ सीजन से रियान पराग रन नहीं बना पा रहा था, जिसके लिए लोग काफी ट्रोल कर रहे थे रियान पराग को। लेकिन रियान पराग ने डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी मेहनत की और उनका फल है कि टीम इंडिया में उनको जगह मिल गया। 2024 की आईपीएल में रियान पराग का 2.0 वर्जन देखने को मिला, जहां रियान पराग ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाए। 2024 की आईपीएल में रियान पराग ने 4 अर्धशतक लगाए थे, कुल रन बनाए थे 573, 33 सिक्सेस लगाए थे, शानदार एवरेज था उनका। दोस्तों 2024 की आईपीएल में आप लोगों ने देख लिया कि रियान पराग की क्या एबिलिटी है, रियान पराग की क्या काबिलियत है। केवल रियान पराग की वजह से ही राजस्थान रॉयल्स की टीम प्लेऑफ तक पहुंच पाया था। दोस्तों 2024 के आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने की बात रियान पराग का नाम इंडियन टीम में शामिल किया गया है जिम्बाब्वे टूर पर। हालांकि रियान पराग के साथ कई सारे नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, लेकिन देखा जाएगा क्या रियान पराग को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है या फिर नहीं। हालांकि क्रिकेट की कई दिग्गज ये कह रहा है कि रियान पराग को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी और उनको अपना 4 नंबर का पोजीशन भी मिलेगी, लेकिन ये तो बीसीसीआई ही बेहतर बता पाएगा क्या रियान पराग को टीम इंडिया में जगह मिलेगी, क्या उनको 4 नंबर का पोजीशन मिलेगी। दोस्तों रियान पराग असम से पहला खिलाड़ी है जो टीम इंडिया के लिए खेलेगा। हमें तो पहले से ही आशा था कि रियान पराग को ब्लू जर्सी में देखने को मिलेगी, और आशा ये भी है कि जिम्बाब्वे के साथ प्लेइंग 11 में भी रियान पराग को दिखाई देगी। रियान पराग को युवराज सिंह की जर्सी नंबर मिली है, उनका जर्सी नंबर था 12 और रियान पराग का जर्सी नंबर भी है 12। हमें उम्मीद ये है कि रियान पराग भारत के लिए वही काम करे जो युवराज सिंह ने करके दिखाया था। हाँ, रियान पराग में वो काबिलियत है कि रियान पराग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि खरे खरे जिस तरह से रियान पराग छक्का लगाता है ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन रियान पराग के लिए काफ़ी आसान है। आशा और उम्मीद ये है कि रियान पराग टीम इंडिया के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे और बेहतरीन गेंदबाजी करेंगे। दोस्तों रियान पराग ने राजस्थान रॉयल्स के लिए बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम को कई बार मुश्किल से निकाला है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की कहानी एक ही है, हर बार मुश्किल में गिर जाते थे राजस्थान रॉयल्स की टीम और उस मुश्किल से रियान पराग बल्लेबाजी करके निकालते थे। तो ये बल्लेबाजी इस समय टीम इंडिया के लिए भी चाहिए। क्या रियान पराग टीम इंडिया को भी मुश्किल से निकाल पाएंगे? क्या रियान पराग टीम इंडिया के लिए शानदार बल्लेबाजी कर पाएंगे? क्या रियान पराग टीम इंडिया में अपना जगह पक्के कर पाएंगे? क्या रियान पराग आने वाले समय में टीम इंडिया की सुपरस्टार बन पाएंगे? रियान पराग की फैंस के मन में ये कई सवाल पैदा हो रही है, क्या इस सवाल का जवाब रियान पराग काल देंगे? अगर काल की मैच में रियान पराग को मौका मिलता है तो आशा ये है कि रियान पराग भारत के लिए भी लगातार रन बनाएंगे और टीम इंडिया को जिताएंगे। रियान पराग में और एक काबिलियत कूट कूट के भरा है जो हमने आईपीएल में देखा था राजस्थान रॉयल्स के लिए रियान पराग ने करके दिखाया था कि टीम इंडिया की अगर 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो रियान पराग 4 नंबर पे आके अपना इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं, टीम इंडिया की इनिंग्स को बेहतरीन कर सकते हैं और शानदार तरीके से फिनिशिंग भी कर सकते हैं।
असम का एक 22 साल का लड़का रियान पराग ये सपना देखता है कि टीम इंडिया के लिए खेलेगा। काल का सूरज जब तक उगेगा तो टीम इंडिया के लिए रियान पराग खेलते हुए देखेंगे, यही आशा हम असामीस लोगों की है। दोस्तों रियान पराग का ड्रीम पूरा होने जा रहा है, रियान पराग का सपना पूरा होने जा रहा है, असम का सपना पूरा होने जा रहा है और टीम इंडिया के लिए एक बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे रियान पराग। असम की यही आशा है, असम की यही उम्मीद है। रियान पराग की जो मेहनत है वो रंग लाई है और रियान पराग के लिए हम असामीस लोग काफ़ी खुश है। और दोस्तों टीम इंडिया के लिए नए नए खिलाड़ी जो भी है, जितने सारे खिलाड़ी है जो डेब्यू करेंगे, सबको शुभकामनाएं और आने वाला समय में हर कोई टीम इंडिया की सुपरस्टार बने, यही उम्मीद है, यही आशा है। लेकिन खास करके रियान पराग मेरी फेवरेट खिलाड़ी है, इसलिए रियान पराग का बातें तो बनती है। और रियान पराग का बल्लेबाजी मुझे खास करके बहुत पसंद है, बहुत शानदार बल्लेबाजी वो करते हैं। और दोस्तों इसलिए मैं रियान पराग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता हूँ। और दोस्तों आप लोग भी रियान पराग को सपोर्ट कीजिए और 22 साल का असम का जो एक लड़का है उनका करियर बनाने में मदद कीजिए। आशा यही है, उम्मीद यही है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।